हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग? ठीक हैं, वेरी गुड। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपके लिए एनसीईआरटी क्लास 10th की मैथ, ठीक है, वृत्त यानी कि सर्किल, एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 करवाऊंगा मैं। ठीक दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहे हैं, ध्यान से देखना। आकृति में, आकृति भी मैं बनाऊंगा, आकृति में एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई डैश ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं। दो समांतर यानी कि एक दूसरे के समांतर, आमने सामने, और स्पर्श बिंदु सी पर स्पर्श रेखा ए बी एक्स बाई को ए तथा एक्स डैश बाई डैश को बी पर प्रतिच्छेद करती है। तो सिद्ध कीजिए कि एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री है। इसमें सिद्ध यह करना हमें, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक दोस्तों, चलिए अब हम इसका डायग्राम बनाते हैं। आकृति में, आकृति पहले बना लो जो इन्होंने आकृति दी है, ठीक है, जिससे आपके सामने बनाना ठीक है। सपोज कर ओ केंद्र मान के एक हम वृत्त खींच लेते हैं। आकृति में एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई ओ केंद्र वाले किसी वृत्त, यानी ओ केंद्र वाले किसी वृत्त, एक वृत्त खींच लेते हैं, कोई भी त्रिज्या ले लीजिए एक। ठीक, ये हमारा केंद्र केंद्र बिंदु हो गया ओ केंद्र वाले, ठीक है ना। दो समांतर भुजाएं, क्या, एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई डैश, दो समांतर भुजाएं ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं। तो दो समांतर स्पर्श रेखा बना लीजिए भैया। ये स्पर्श बिंदु हो गया हमारा एक, और स्पर्श बिंदु पे ही हमने स्पर्श रेखा, समांतर स्पर्श रेखा खींच देते हैं। ठीक, ये हमारा हो गया एक बिंदु एक्स, ठीक, और एक बिंदु ये हमारा हो गया क्या, वाई, और ये बिंदु हो गया हमारा एक्स डैश, एक्स डैश, और ये बिंदु हो गया हमारा वाई डैश। तो ये दोनों समांतर रेखा एक दूसरे के हैं, ठीक है, एक दो। अब क्या अगर किसी दो समांतर रेखा है और स्पर्श बिंदु सी पर, ध्यान से देखना, स्पर्श बिंदु सी पर स्पर्श रेखा ए बी, एक स्पर्श बिंदु सी ले लो, क्या है, क्या ले लो, स्पर्श बिंदु सी ले लो, सी पर स्पर्श रेखा ए बी, फिर उस पर एक सपोज करो हमने एक रेखा खींच दी है, ठीक है, ये एक बिंदु ले लिया स्पर्श बिंदु जिसे हमने नाम दे दिया सी, ठीक, स्पर्श रेखा हो गई जे ए बी, क्या हो गई, जे हो गई ए और जे हो गई बी। ठीक, ये हमारा पॉइंट हो गया स्पर्श पॉइंट यानी स्पर्श बिंदु सी। ठीक, ए बी एक्स वाई को, किसे, एक्स वाई को ए तथा एक्स डैश वाई डैश को बी पर प्रतिच्छेद करता है। ठीक, अब जो ये बिंदु था इसे प्रतिच्छेद कहाँ किया, ठीक, ए पर प्रतिच्छेद कर दिया और इधर बी पर प्रतिच्छेद कर दिया, ठीक, यानी मिल गया, काट दिया, ठीक है, ये हो गया प्रतिच्छेद जे आर पार। ठीक, बिंदु ओ, ओ से मिला लीजिए, ये हमने दोनों बिंदुओं को मिला लिया, क्या कर लिया, मिला लिया। अब ये हमारी आकृति आ गई सामने, क्या आ गई, आकृति सामने आ गई। इन बिंदुओं का नाम और देना, ये हमारा पी हो गया और ये हो गया हमारा क्यू। तो ये कह रहे हैं कि एंगल ए ओ बी बराबर 90 डिग्री। चलो भैया, सिद्ध क्या करना हमें, लिख लीजिए सॉल्व। सिद्ध करना है, अब सिद्ध क्या करना हमें, दे दिया है इन्होंने एंगल ए ओ बी इजगल टू 90 डिग्री, ये हमें सिद्ध करना है क्वेश्चन में। ठीक, उत्पत्ति देखिए साहब इसकी, अब उत्पत्ति
ठीक। और पत्ति क्या कर रहे हैं, त्रिभुज, ध्यान से देखना, त्रिभुज ए ओ पी, यानी ए ओ पी, ये हो गया हमारा त्रिभुज ए ओ पी, ए ओ पी, ठीक, ए ओ पी और त्रिभुज ए ओ सी, ठीक, इसे आप मिला दीजिए ये, ठीक, ए ओ पी तथा त्रिभुज ए ओ सी में, भाई ए ओ पी में और ए ओ सी दोनों 90 डिग्री के कोण हैं, भाई ये भी 90 डिग्री का हो गया, ये भी 90 डिग्री हो गया, ठीक है। तो ए त्रिभुज ए ओ पी तथा त्रिभुज ए ओ सी, ऐसी बात में हम क्या कर लेंगे, भाई त्रिभुज ए ओ पी देख लिए तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, त्रिभुज बी ओ क्यू में, बी ओ क्यू और बी ओ सी में या बी सी ओ में, ठीक है, पहले हम इसका कर लेते हैं बराबर 90 डिग्री, ठीक है। चलिए साहब इसका भी हम करते हैं, तो ए ओ पी तथा एंगल त्रिभुज ए ओ पी तथा त्रिभुज ए ओ सी में, ए पी ए पी ए पी, भाई ए पी के बराबर क्या हो जाएगा हमारा, ए पी के बराबर ए सी हो जाएगा, ए पी के बराबर ए सी हो जाएगा ये, ठीक, तो ए पी बराबर ए सी, ए पी बराबर हमारा क्या हो गया ए सी, क्योंकि ये दोनों बाहरी बिंदु हैं, ये भी बाहरी बिंदु है और ये भी बाहरी बिंदु है, ठीक है, स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु बाहरी बिंदु होता है, ठीक है, वृत्त के इस पर, क्योंकि आप लिख देंगे क्योंकि, क्योंकि ये दोनों स्पर्श बिंदु है, बिंदु है, ठीक भाई, ए पी ए पी स्पर्श बिंदु है और ए सी दोनों क्या है, स्पर्श बिंदु है, ठीक, क्या है, स्पर्श बिंदु है। तो भैया ध्यान से देखना, ए ओ भाई ए ओ जो रेखा है वो ए ओ पी की भी उभयनिष्ठ है और ए ओ सी की भी उभयनिष्ठ है, यानी कि इस रेखा से दो 90 डिग्री के कोण बन रहे हैं, तो ये उभयनिष्ठ कोण, उभयनिष्ठ रेखा हो जाएगी, ठीक। तो ए ओ बराबर ए ओ, ये क्या हो गई हमारी उभयनिष्ठ रेखा, उभयनिष्ठ रेखा, वह रेखा जो दो दो एंगलों को बनाती हो उसे हम उभयनिष्ठ रेखा कहेंगे। तो ए ओ बराबर ए ओ, ए ओ बराबर ए ओ, यानी दोनों त्रिभुजों दोनों दोनों कोणों का ए ओ जो रेखा है वो दोनों दो कोण बना रही है 90 डिग्री, तो ए ओ बराबर ए ओ हो जाएगी उभयनिष्ठ रेखा, ठीक है, ध्यान से देख लेना। अब ये क्या कह रहे हैं, ऐसे हमें क्या दे दिया, ओ पी, क्या ओ पी, ये ओ पी दिया है तो ओ पी के बराबर क्या हो जाए, ओ पी ओ सी, भाई ओ पी ओ सी हो जाएगी, ठीक है भाई, ए पी ए सी हो गई तो ओ पी ओ सी, तो ए पी ये हो जाएगा हमारा ओ पी, ओ पी इज इक्वल टू ओ सी, ठीक है, ओ पी इज इक्वल टू ओ सी, ये दोनों क्या है, ओ पी और ओ सी, ये इस वृत्त की क्या है, त्रिज्या है, ओ पी और ओ सी लिख देंगे, वृत्त की त्रिज्याएं, वृत्त की त्रिज्याएं हैं, ठीक। तो ये दोनों हमारी क्या हो गई, वृत्त की त्रिज्याएं, ओपी और ओसी वृत्त की क्या हो गई, त्रिज्याएं हैं। अब देखिए त्रिभुज ए ओ पी बराबर त्रिभुज ए ओ सी, अब देखिए देख ये देखिए त्रिभुज ए ओ पी, भाई इस त्रिभुज के बराबर ही ये वाला त्रिभुज है ट्रायंगल, भाई ए ओ पी और ए ओ सी दोनों एक दूसरे के बराबर है, ये इसकी ए ओ की उभयनिष्ठ रेखा हो गई, ठीक है। तो हमने ये लिख दिया ए ओ पी बराबर त्रिभुज ए ओ सी, ए ओ पी बराबर त्रिभुज ए ओ सी। अब देखिए फिर से, अब ये हमने कंडीशन यहाँ पे की है, ठीक है, इस वाले त्रिभुजों में की है, ठीक है। अब इन वाले त्रिभुजों में सेम ये कंडीशन हमें अप्लाई कर लेना है, ठीक। देखो भैया, अब त्रिभुज बी,
क्या? BQO तथा BQO तथा त्रिभुज BOC में, तथा त्रिभुज BOC में, ठीक है, BQO में और BOC में, इसकी उभयनिष्ठ रेखा हो जाएगी OB, इसकी उभयनिष्ठ रेखा OB, ठीक, बाहरी बिंदु हो जाएगा इसका Q और C, तो QB बराबर BC, ठीक, जो हम पहले करते आए हैं, और उभयनिष्ठ रेखा क्या हो जाएगी OB बराबर OB, जैसे इससे पहले वाले कंडीशन में की थी, ठीक है। तो देख लीजिए साहब, OQ, O और Q, भाई OQ हो गया ये हमारा, ध्यान से देखना, OQ हो गया ये, तो OQ किसके बराबर हो गया भाई, OC के, यही तो हमने क्या करा था इधर भाई, AP और AC बराबर, क्योंकि दोनों का स्पर्श बिंदु ये है, और इसका स्पर्श बिंदु क्या हुआ, Q हो गया और C हो गया, ठीक है, तो OQ बराबर OC हो जाएगा, OC सही है, OQ बराबर OC, ये भी वृत्त की त्रिज्याएं हो गई, जैसे ये हुई थी वृत्त की त्रिज्याएं हैं, ठीक, हमारी क्या हो गई, ये वृत्त की त्रिज्याएं हो गई, तो ओ बी बराबर ओ बी हो जाएगी भाई, उभयनिष्ठ रेखा ओ बी हो जाएगी, तो ओ बी बराबर ओ बी, क्योंकि ये दो त्रिभुजों को बना रही एंगल ट्रायंगलों को, ओ बी बराबर ओ बी, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, क्यों, क्योंकि ओ बी मैंने बता दिया उभयनिष्ठ रेखा है, क्या है, उभयनिष्ठ रेखा है, उभयनिष्ठ रेखा है, ठीक। अब क्या करना हमें भाई, ये दोनों की कंडीशन हमारे पास आ गई, तो त्रिभुज BQO ध्यान से देखना, त्रिभुज BQO यानी कि ट्रायंगल BQO इज इक्वल टू ट्रायंगल BQO इज इक्वल टू ट्रायंगल BCO, ठीक है, सही है, BQO बराबर BCO हो जाएगा, ठीक, तो एंगल BOQ बराबर एंगल BOC, ठीक, भाई एंगल BOQ, एंगल BOQ इज इक्वल टू एंगल BOC हो जाएगा, दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, ठीक, वही हमने लिख दिया एंगल BOQ बराबर एंगल BOC, ठीक। अब कुछ नहीं करना हमें, चारों हमारे पास क्या आ गए, चारों कोण आ गए, एंगल चारों को जोड़ देंगे, जिसकी 180 डिग्री चारों कोणों का योग आ जाएगा। तो देखो भैया, जो ये रेखा है POQ एक सरल रेखा है, क्या है, एक सरल रेखा है, ठीक है, क्योंकि सरल रेखा, क्योंकि इसी रेखा से सब कुछ हो रहा है, ये मेन रेखा हो गई, ये भी दोनों त्रिभुज ट्रायंगल बन रहे हैं और ये भी दोनों ट्रायंगल इसी रेखा बन रहे हैं, इसलिए PQ क्या हो जाएगी, POQ हमारी सरल रेखा हो जाएगी, क्या हो जाएगी, एक सरल रेखा, स्पेस कम है थोड़ा, मैं यहाँ भी बता दे रहा हूँ, तो POQ एक सरल रेखा है, ठीक, कोई दिक्कत यहां तक। अब इन चारों एंगलों को जोड़ लो, जो हमने निकाले हैं, एंगल AOC, एंगल AOP, ठीक है, तो एंगल AOP हो गई इज इक्वल टू एंगल AOC, दोनों एंगल एक दूसरे बराबर हैं, इन प्लस को जोड़ दो, तो एंगल AOP प्लस एंगल AOC प्लस एंगल भाई AOP हो गया। अब एंगल BOQ प्लस एंगल BOC बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा,
चारों एंगलों को कोण क्या हो जाएगा 180 डिग्री। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए एंगल क्या, एंगल ए ओ पी, ए ओ पी है वो किसके बराबर है, एंगल ए ओ सी के बराबर है। तो एंगल ए ओ पी की जगह हम क्या लिख दें, एंगल ए ओ सी। क्यों लिखें, क्योंकि हमें सिद्ध करना है। और प्लस एंगल ए ओ सी ये ऐसे ही रहा, सही है ठीक, प्लस प्लस। अब एंगल क्या करना है हमारा, बी ओ क्यू, क्या बी ओ क्यू और बी ओ सी। तो बी ओ क्यू, बी ओ क्यू, बी ओ क्यू बराबर बी ओ सी है, तो बी ओ क्यू की जगह हम क्या लिख देंगे, बी ओ सी लिख देंगे ठीक है। तो बी ओ क्यू की जगह क्या लिख देंगे, एंगल बी ओ सी। और प्लस एंगल ये बी ओ सी ऐसे चल रहा है, एंगल बी ओ सी बराबर 180 डिग्री। अब ये हमने क्यों किया, क्योंकि जब हमारा क्या हो गया, इन दोनों को जोड़ दिया तो 2, ध्यान से देखना, 2 एंगल ए ओ सी, सही है ए ओ सी, ए ओ सी और प्लस बी ओ सी एंगल, दोनों बी ओ सी, बी ओ सी बने, दो बार बी ओ सी और दो बार ए ओ सी। तो ब्रैकेट में पूरा ले लिया, एंगल ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी बराबर 180 डिग्री, सही है। तो एंगल ध्यान से देख लेना, ए ओ सी, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी, ये बी है बी, ये बी है बी, बी ओ सी बराबर क्या हो जाएगा, 180 अपॉन 92 हो जाएगा, 180 अपॉन 2 हो जाएगा, ये 2 नीचे आ जाएगा, इसका हर बन जाएगा, दोनों अठारह 90 डिग्री बन गया है हमारा। क्या बन गया, एंगल ए ओ सी और एंगल बी ओ सी बराबर क्या आ गया हमारा, 90 डिग्री ही आ गया। मगर हमें सिद्ध क्या करना, एंगल ए ओ बी 90। तो भाई ए ओ सी ध्यान से देखना, ए ओ सी, तो ए ओ सी ये हो गया हमारा ए ओ सी, सही है। और एंगल बी ओ सी, एंगल बी ओ सी तो बराबर क्या हो गया, एंगल ए ओ बी पूरा एंगल हो गया, ये भाई इस पूरे एंगल के ही ये दोनों पार्ट हैं ठीक। तो एंगल ए ओ बी तो बराबर लिख लेंगे हम, एंगल ए ओ बी बराबर 90 डिग्री चल गया, ये हमारा सिद्ध हो गया ठीक। आशा करता हूँ दोस्तों समझ में आया होगा आपको ठीक है। कुछ नहीं करा आपने, पहले हमने एंगल इन दोनों को ले लिया, फिर एंगल इन दोनों को ले लिया ठीक, उसके बाद हमने सिद्ध कर दिया, दोनों चारों एंगलों को जोड़ दिया हमने, बराबर हमारा क्या हो गया 180 डिग्री हो गया ठीक है। उस इसे हमने ए, जो हमारा ए ओ सी था, ए ए ओ सी ठीक है, ए ओ सी था, तो हमने इसे क्या कर दिया, ए ओ पी, ए ओ पी को ए ओ सी बना दिया, ऐसे ही इसे बी ओ क्यू को बी ओ सी बना दिया, दोनों को जोड़ लिया, ये कंडीशन कोई हुआ नहीं है ठीक है दोस्तों। चलिए अब क्वेश्चन में एक 10वां क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको, क्या बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहे हैं, सिद्ध कीजिए कि किसी बहा बिंदु से, कोई बाहरी बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा। तो सबसे पहले आप एक बाहरी बिंदु ले लीजिए, क्या ले लीजिए, एक बाहरी बिंदु ले लीजिए ठीक, और इस पर एक एक वृत्त आप बना लीजिए, क्योंकि वृत्त पे तो स्पर्श रेखा खींची जा रही है। ये हमारा एक क्या हो गया, वृत्त हो गया, ये इसका क्या हो गया, बिंदु हो गया, बीच का बिंदु जिसे हम कहते हैं ओ। सिद्ध कीजिए किसी बहा बिंदु, किसी बहा बिंदु क्या, किसी बहा बिंदु P से किसी वृत्त पर, किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, यानी इससे हम दो स्पर्श, एक बिंदु से दो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, एक ये स्पर्श रेखा हो जाएगी, एक स्पर्श रेखा ये हो जाएगी, बिंदु बना लो भैया दो, ये सरल रेखा हो गई ठीक, ये हमारा Q हो गया, ये बिंदु R हो गया, इस पर आप स्पर्श रेखा बना लीजिए, खींच लीजिए।
थोड़ा ये दिक्कत में जा रहा, क्योंकि इस पर से रेखा इससे मिलती हुई जाएगी, ठीक है, ये सही है, ये मिलती हुई जाएगी, क्योंकि हमने इन्होंने कोई नाप तो दिया नहीं है, ठीक है, हमने भी कोई भी त्रिज्या मान के वृत्त को खींच लिया, तो स्पर्श रेखा हमेशा वृत्त के बाहर से छूते हुए जाती है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये आप ध्यान से बना देना, ठीक है। ऐसे ही हमारा हो जाएगा एक पॉइंट ये, ठीक है, ये स्पर्श रेखा जहाँ भी है यहाँ पे मिलाना, बीच में मिलाना, मिला देना, ठीक है, क्या बीच में मिला देना एकदम नाप तोल करके। अब ये हमारी क्या हो गई, स्पर्श रेखा हो गई, ये दोनों क्या हो गए, स्पर्श रेखा हो गए। और इसमें ऐसा कुछ नहीं दिया है कि साहब इतने सेंटीमीटर का बनाना है, इतना सेंटीमीटर, बस आपको शो करना है, क्या शो करना है डायग्राम का, कि स्पर्श रेखा ये हो गई और एक स्पर्श रेखा, एक बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं हो गई, जिनका स्पर्श बिंदु क्यू है और स्पर्श इधर का बिंदु है वो आर है, ठीक है, क्या है आर है। तो ये क्या कह रहे हैं, खींची गई स्पर्श रेखाओं बीच कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड। अब स्पर्श बिंदुओं को, स्पर्श बिंदु क्यू ओ आर, इसको जो रेखाखंड मिला रहे हैं ये वाला, ठीक है, क्यू ओ आर जो ये रेखाखंड मिला रहा है इन दोनों स्पर्श बिंदुओं को, ठीक है, केंद्र पर आंतरिक कोण संपूरक होगा, इनका जो कोण होगा केंद्र वो क्या होगा, संपूरक कोण होगा, क्या होगा, संपूरक कोण होगा, ठीक। वैसे दोस्तों आपके लिए मैं बताना चाह रहा हूँ, जो बिंदु ये मिल रहा है, ठीक है, एक बार मैं आपको व्रत सेटिस्फाई करके रहूँगा साहब, ठीक है, मैं दोबारा व्रत बनाऊंगा, मगर आपको बिना सेटिस्फाई करे मैं नहीं जाने दूंगा, ठीक। एक बिंदु हमने ले लिया पी बिंदु, ठीक है, ये बिंदु हमारा बाहरी बिंदु, यही कह रहे हैं ना, बाहरी बिंदु एक पी ले लिया, कोई भी त्रिज्या का एक व्रत ले लिया हमने, ठीक है। मुझे खुद अच्छा नहीं लगता है कि जब तक आपको पूरी तरीके से सेटिस्फाई नहीं कर पाऊँ। ये हमारा एक सरल रेखा हो गई, ठीक है, जिसे हमको बोलेंगे क्यू आर, ये हो गई क्यू, ये हो गई हमारी आर, ये इसका वृत्त का मध्य बिंदु हो गया ओ, ठीक, वृत्त का मध्य बिंदु ओ हो गया, ये हमारा बाहरी बिंदु है इसके। अब देखिए साहब इसमें करना क्या है, क्या करना क्या है, तो स्पर्श बिंदु मिला लो साहब, ये मिल रहा है, क्या मिल रहा है, ये, ठीक, और इधर क्या मिल रहा है, ये, ठीक, यानी कि ये बिंदु हमारा मिल, एक बिंदु ये मिल गया, एक बिंदु ये मिल गया, ठीक है, समझ में आ गई, इन दोनों को मिला लीजिए, इन दोनों को मिला लिया, ये हमारे जो हो गए क्यू हो गया और ये हो गया हमारा आर, ठीक है, ये हो गया क्यू और ये आर। अब इनसे जो कोण बनने है, ये जो त्रिभुज बना ये संपूरक होना चाहिए, क्या होना चाहिए, संपूरक, यानी ये संपूरक दो दो कोणों का योग बराबर 180 डिग्री होना चाहिए, ठीक है, उसे हम बोलते हैं संपूरक कोण, ठीक। अब इसमें कंडीशन हमारी क्या अप्लाई हो रही है, तो हमें सिद्ध क्या करना है, आंतरिक कोण संपूरक कोण होना चाहिए, क्या होना चाहिए, जो अंदर का कोण है ये, जो अंदर का कोण है ये क्या होना चाहिए, संपूरक कोण होना चाहिए। चलो थोड़ी सी लैंग्वेज लिखेंगे इसके इसके लिए हम लोग, ठीक है, सॉल्व। अब लैंग्वेज बनाना हमें, माना दिया गया वृत्त का केंद्र ओ है, माना दिया गया वृत्त का केंद्र ओ है, ठीक, सबसे पहले ये तो दिया था, इसी से हमने एक वृत्त खींच लिया था, जिसके बाहरी बिंदु, क्या बाहरी बिंदु, जिसका एक बाहरी बिंदु, जिसका एक, अपनी लैंग्वेज में लिख रहे हैं, बाहरी बिंदु क्या है, पी है, पी है, तथा स्पर्श वृत्त के स्पर्श बिंदु, वृत्त के स्पर्श बिंदु क्या हो गए, पी पी क्यू, भाई इस पी क्यू रेखा हो गई, स्पर्श बिंदु क्या हो, क्यू और आर, क्यू तथा आर है,
तथा स्पर्श रेखाएं, स्पर्श रेखाएं, स्पर्श रेखाएं हमारी क्या हो गई, पी क्यू तथा पी आर, पी आर दो स्पर्श रेखा होंगे, स्पर्श रेखा पी क्यू तथा पी आर है। ठीक, अब ध्यान से कंडीशन हमें क्या करना है, तो सिद्ध हमें कर क्या करना कि ये संपूरक कोण है, कौन कौन से, क्यू पी आर, क्यू पी आर, क्या क्यू पी आर और क्यू ओ आर, भाई ये इधर कोण है और ये इधर है, तो ये दोनों क्या है, इन दोनों को जोड़ क्या होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए, उसी संपूरक कोण किसे कहते हैं, दो कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होना चाहिए, उसी को हम क्या कहते हैं, संपूरक कोण कहते हैं। तो सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है एंगल क्यू पी आर, क्यू पी आर, ठीक, क्यू पी आर सही है, कॉमा एंगल क्यू ओ आर, ओ आर का संपूरक है, संपूरक कोण है, कोण है भाई, क्यू पी आर का कौन सा कोण संपूरक है, क्यू ओ आर, ठीक है, क्यू ओ आर इसका संपूरक कोण है। ठीक है, इसकी उत्पत्ति लिख दीजिए साहब, ठीक है, उत्पत्ति अब उत्पत्ति में हमें क्या लिखना, पी क्यू क्या है, एक स्पर्श रेखा है, पी क्यू हमारी क्या है, स्पर्श रेखा है, ये तो ये हो गया हमारा, बना दे रहा हूँ जिससे पीछे बार बार पेज नहीं पलटना पड़े, ठीक है, ये हमारा ओ केंद्र वाला एक वृत्त हो गया, ये बाहरी बिंदु हो गया, ठीक है, जो कि ये हो गई, इसके स्पर्श बिंदु हो गए, ये हो गया की हो गया, ये हो गया हमारा आर हो गया, ये बाहरी बिंदु हमारा पी हो गया, ठीक है, इन दोनों को मिला दिया, इनसे ये कोण बन गया हमारा, ठीक है, यही तो है ना, हाँ ठीक, बार बार पलटना ही पड़ेगा। अब देखिए साहब, तो पी क्यू एक स्पर्श रेखा है, पी ओ क्यू सही है, क्या पी और ए क्यू स्पर्श रेखा जो ओ क्यू पर क्या 90 डिग्री का कोण बना रही है, पी क्यू एक स्पर्श रेखा जो कि ओ क्यू, ओ क्यू पर एक 90 डिग्री का कोण बना रही है। तो भाई जब हम अपनी लैंग्वेज लिखेंगे ना, तो थोड़ा मुझे समझ के ही बोलना पड़ेगा, ठीक है, मैं गलत नहीं बता दूंगा, ठीक है, क्योंकि मुझे भी थोड़ा समझना पड़ेगा ना, तभी तो मैं आपको बताऊंगा, मैं छपाई तो कर नहीं रहा हूँ, ठीक, तो मुझे भी थोड़ा जो मैं रुक रुक के बोल रहा हूँ, तो मुझे भी सोचना पड़ रहा चीज़ जिससे आपको समझ नहीं आए। तो पी क्यू क्या हो गया, एक स्पर्श रेखा हो गई जो कि ओ क्यू, क्या ओ क्यू रेखा पर क्या 90 डिग्री का कोण बना है, ठीक, समझ में आ गई। तो पी क्यू, पी क्यू, पी क्यू एक स्पर्श रेखा है, पी क्यू क्या है, एक स्पर्श रेखा है जो कि पी क्यू, ये 90 डिग्री का साइन होता है समकोण का, सही है, समकोण है किसका, क्यू ओ का या ओ क्यू का, ठीक, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट यानी समीकरण फर्स्ट से हमने मान लिया, सही है, कुछ नहीं करना, थोड़ी लैंग्वेज लिख देना, पी क्यू एक पी क्यू एक स्पर्श रेखा है जो ओ क्यू पर समकोण है, क्या है, ओ क्यू पर समकोण है, तो पी क्यू बराबर ओ क्यू, यानी बराबर नहीं सॉरी समकोण का साइन लगा दिया, ये हमारा समीकरण फर्स्ट बन गया, बस, ठीक, तो अर्थात यानी कि या अर्थात ओ क्यू पी, ओ क्यू पी ध्यान से देख लेना, क्या ओ क्यू पी, भाई ओ क्यू पी 90 डिग्री बन गया कोण, बन गया नहीं, तो एंगल ओ क्यू और पी, ओ क्यू पी बराबर 90 डिग्री हो गया हमारा, सही है, 90 डिग्री हो गया ना,
पी क्यू ओ के ऊपर जब समकोण बना रही है तो ओ क्यू पी क्या हो गया पूरा, ये 90 डिग्री हो गया हमारा, ओ क्यू पी 90 डिग्री हो गया हमारा, ठीक है ये ठीक। अब देखिए इसी प्रकार अब पी आर पे ले लो, इसी प्रकार पी आर क्या चीज, पी आर एक स्पर्श रेखा है, एक स्पर्श रेखा है। अब जो पी आर है क्या है, जैसे यहां पे पी क्यू था तो यहां पे पी आर सम क्या बना रही है, किस पे है भैया, ओ आर पे क्या समकोण है, ओ आर ठीक, तो एंगल हमारा क्या हो जाएगा, ओ आर पी, ओ आर पी बराबर 90 डिग्री, ये हमारी इक्वेशन समीकरण सेकंड हो गया, सही है, ये हमारा कर समीकरण सेकंड हो गया। अब आप दोनों समीकरण को जोड़ दो, दोनों समीकरणों को जोड़ने पर भैया दोनों समीकरण के जब जोड़ दिए, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड, तो भैया दोनों समीकरण तो एंगल ओ क्यू पी, एंगल ओ क्यू पी, एंगल ओ क्यू पी प्लस एंगल ओ आर पी, ओ आर पी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भैया, इन दोनों को भी जोड़ दो, 90 90 180 डिग्री ठीक, यहाँ तक कुछ होगा। अब भैया ये इसमें चतुर्भुज भी बनने, भैया एक चतुर्भुज बनना है, ये दो तीन और ये चार, तो ये हमारा चतुर्भुज बनना है ठीक है, चतुर्भुज कौन सा बनना, ओ क्यू पी आर, ओ क्यू पी आर एक क्या है चतुर्भुज है, तो लिख देंगे आप ओ क्यू पी आर एक चतुर्भुज है। अब मैंने आपको बताया था तो चतुर्भुज है, तो चतुर्भुज के चारों कोण बराबर कितना होता है 360 डिग्री, तो चतुर्भुज के चारों कोण बना लो भैया, भैया चारों कोण कौन कौन से हो गए, ओ क्यू पी, ओ क्यू पी तो पहला हमारा हो गया एंगल ओ क्यू पी प्लस एंगल ओ क्यू पी, एंगल क्यू पी आर, एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल पी आर ओ, एंगल पी आर ओ या ओ आर पी, अब इधर से ले लो ओ आर पी, ओ आर पी, ओ आर पी एंगल आर पी ओ, एंगल आर आर पी ओ इज इक्वल टू 360 डिग्री ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, दो चारों एंगल ले लिए, चारों एंगल चार चतुर्भुज के चारों एंगल का कोण क्या हो गया 360 डिग्री, तो एंगल क्यू पी आर क्या, एंगल क्यू पी आर, एंगल पी क्यू पी आर ध्यान से देख लेना, और एंगल आर ओ क्यू, आर 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 ओ क्यू, आर ओ क्यू कौन सा एंगल है हमारा, एक में थोड़ा कंफ्यूज, आर आर ओ क्यू ये वाला एंगल है ना, आर ओ क्यू, तो आर ओ क्यू ठीक है, आर ओ क्यू तो एंगल आर ओ क्यू, क्यू पी आर और एंगल आर ओ क्यू प्लस ये दोनों एंगल हमारे क्या बन गए, ओ क्यू पी, ओ ओ क्यू पी 90 डिग्री का जो हो गया ओ क्यू पी, ये भी 90 डिग्री का, और ओ आर पी ये भी 90 डिग्री का, तो ओ क्यू पी और ओ आर पी दोनों 90 90 के हो गए भाई, ओ क्यू पी और ओ आर पी ये 90 डिग्री का हो गया, ये भी तो 90 और 90 कितना होगा 180 डिग्री, तो हम ओ क्यू पी की जगह ओ आर पी की जगह क्या लेंगे, 180 डिग्री बराबर 360 ठीक कोई दिक्कत, तो एंगल
क्यू पी आर प्लस एंगल आर ओ क्यू इज इक्वल टू 360 डिग्री, और प्लस का 180 इधर आया तो माइनस का 180 डिग्री। ठीक है, तो एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल आर ओ क्यू इज इक्वल टू 360 में से 180 डिग्री माइनस किया तो 180 डिग्री हमारा बचा। ये तो भैया ध्यान से देखो, दोनों कोण हो गए क्यू पी आर और आर ओ क्यू। भाई क्यू पी आर और आर ओ क्यू एक दूसरे क्या हो गया भाई, संपूरक कोण हो गए। ठीक, दो कोणों का योग 180 डिग्री हो गया, एक ये हो गया एक ये हो गया, दोनों का 180। यही हमें क्या करना है, सिद्ध करना, यही हमारा संपूरक कोण है। ठीक दोस्तों, आशा करता हूँ समझ में आया होगा, और कोई दिक्कत है तो मुझे एक कमेंट करके बताइए। चलने की इजाज़त दीजिए दोस्तों। जय हिंद, जय